वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया आई फ्लाई। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। जो भी आज मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एविएशन रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होती है, वैकेंसीज होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, अपने चैनल पर अपडेट करती हूँ। सो इट विल हेल्प यू अलॉट। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट करना ना भूले, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटीज मैं अपने चैनल पर लेके आऊँ तो आप उसको मिस ना कर सके, ठीक है। सो आज जो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ वो है वैकेंसी दिल्ली एंड अहमदाबाद के लिए, जो कि स्पाइस जेट द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी अपने अपने उस लोकेशन के एयरपोर्ट पे। सो आगे इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन से डेट पे क्या टाइमिंग है, क्या लोकेशन है फॉर द इंटरव्यू। स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले हम बात करेंगे कि स्पाइस जेट में जो ग्राउंड स्टाफ की इंटरव्यू कंडक्ट होने वाली है वो कौन से लोकेशन पे है। सबसे पहला लोकेशन तो दिल्ली में इंटरव्यू है, ये वॉक इन इंटरव्यू है, कहीं भी रजिस्ट्रेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपना रिज्यूमे लेना है, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने एंड आपको लोकेशन पे चली जानी है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं कर पा रहे तो फोन में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एक पीडीएफ बना के जरूर रख लेना, ताकि इन केस कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाए आफ्टर सिलेक्शन, सो आपको वापस घर आके इस डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की नौबत ना आए। इसलिए फॉर द सिक्योरिटी आप इन चीजों को अपने फोन में रखना ना भूले। बात करेंगे कौन से पोजिशन के लिए वैकेंसी निकाली स्पाइस जेट ने, तो वैकेंसी है फॉर द ट्रेनी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव एंड सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। सो अगर आप ऑलरेडी एयरलाइंस में काम कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होएगा कि इस प्रोसेस में आप एंटर कर जाओ, बट जो फ्रेशर्स है जिन्होंने कभी भी एयरलाइंस में जॉब नहीं करा है उनको सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव ही मिलेगी। ट्रेनी बहुत ही रेयर चांसेस है कि मिले, बट जो एक्सपीरियंस है उनको ट्रेनी के चांसेस ज़्यादा है कि ट्रेनी वाले उनको मिल जाए, ठीक है। बट आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ जॉब से। सो आपका फोकस होना चाहिए कि किस तरह से मैं ये जॉब इंटरव्यू क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो अभी पोजिशन मालूम हो गई, अब मैं आपको बताती हूँ आपका ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है गाइज। जो भी ये पूछते हो ना कि 10th पास आउट का जॉब मिल जाएगा, 12th पास आउट का जॉब मिल जाएगा, देखो एयरलाइंस में 10th और 12th के वैकेंसीज बहुत ही रेयरली वो बताते हैं, अदरवाइज हायरिंग तो होती है 10th एंड 12th वालों की, बट वो छोटे मोटे पोजीशंस के लिए होती है जो कि आपको किसी के हेल्प के थ्रू ही पता चल सकेगी, वो हमें इतनी जल्दी पता नहीं चलता, बिकॉज उन पोजीशन पे ऑलरेडी बहुत बहुत एजेड लोग बैठे हुए हैं कह सको तो, जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इसलिए जो अभी न्यू स्टूडेंट्स है ना, जो चाहते हैं कि 10वीं पास होके हमें जॉब मिल जाए, सो इट्स नॉट पॉसिबल गाइज, बिकॉज जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं वो ऑलरेडी उस पोजीशन पे काम कर रहे हैं एंड वो बहुत बुजुर्ग हो गए, जैसा कि मैंने पता करा है। सो मोस्टली इसी वजह से 10th एंड 12th पास आउट वाले के लिए कोई जॉब नहीं आता। आपको ग्रेजुएशन करनी जरूरी है, बिकॉज हम जिस सदी में चल रहे ना यहाँ पे, तो हर कोई ग्रेजुएशन करता है। आप ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लो, कहीं से भी कर लो, ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, ठीक है। मैं इतने डिटेल में बता रही हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में परेशान मत होना कि 12th के लिए क्यों नहीं है। 12th के लिए नहीं है गाइज, ओनली फॉर ग्रेजुएशन, ठीक है। ओके, सो इसके बाद मैं एज का क्राइटेरिया बता देती हूँ। 18 से 27 साल आपकी होनी चाहिए। अगर आप 18 के नीचे के हैं और 27 के ऊपर के हैं तो ये आपके लिए नहीं है, डू नॉट गो फॉर द इंटरव्यू, like it's a waste of time। हाँ, but अब अगर आप experience है तो you can definitely go even after 27 years, that's totally like free for you, people जो already experienced है aviation field में, fine। Now we will talk about the date। So date है दिल्ली में जो interview है वो 21st जून को interview है guys, ठीक है। Timing आपकी रहेगी 9 से 11 के बीच आपको entry करनी है। टर्मिनल 1 जाना है आपको, जैसे कि दिल्ली में T1, T2, T3 है, आपको वहाँ पे लोकेशन जो मिलेगा टर्मिनल 1D, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी, टर्मिनल 1D IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, रूम नंबर 26। सो जो इंटरव्यू जिस रूम में हो रही है उसका रूम नंबर होएगा 26। सो अकॉर्डिंग टू लोकेशन जाना, इधर उधर कहीं भी फंसना नहीं है और कहीं भी पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, इसलिए कहीं भी इंटरव्यू से पहले पैसे कहीं भी देने की जरूरत नहीं है, फ्रॉड से बचना है आपको, ठीक है। सो दिल्ली वाला आई होप आई एम क्लियर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अहमदाबाद। सो अहमदाबाद में इंटरव्यू है 25th जून को, सेम क्राइटेरिया है गाइस, ग्रेजुएशन 18 to 27, सब सेम है आपका। आपकी हाई छोटी है बड़ी है डज नॉट मैटर, आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, डज नॉट मैटर, बस मैटर ये करेगा कि आपकी एज 18 से 27 के बीच की होनी चाहिए, दैट्स इट, फाइन। सो अहमदाबाद में जो आपकी टाइमिंग है 25 जून को है, 10 से 12 के बीच में आपकी एंट्री टाइमिंग होगी वहाँ पे, एंड द लोकेशन इज होटल कम्फर्ट इन सनसेट एयरपोर्ट सर्कल अहमदाबाद,
ठीक है, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी आपको लोकेशन, आप आराम से उसको देख लेना। अब आप पूछोगे कि ये लोकेशन तो वेबसाइट पे कहीं भी नहीं दिख रहा, ये वैकेंसी तो कहीं नहीं दिखती है। गाइस स्पाइस जेट के पेज फॉलो करके रखो इंस्टाग्राम पे, वो अपडेट करते रहते हैं, अपने स्टोरी पे भी अपडेट करते रहते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज की मालूम होती है। स्पाइस जेट बहुत बार इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए, बट मैं वीडियोज नहीं बनाती, मैं हमेशा अपने कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट कर देती हूँ। बट जस्ट बिकॉज ये दिल्ली में थे एंड दिल्ली के काफी सब्सक्राइबर है मेरे, सो आई होप कि आपको ये हेल्प मिल जाएगी। कोई भी डाउट आपको रह गया हो मन में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना मुझे, आई विल हेल्प यू इन दैट। एंड डू लेट मी नो कि आपकी फर्दर क्वेरीज क्या है, सो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक टू। फाइन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।